नहीं तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। सो अभी ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर रही, कुछ हो ही नहीं रहा स्पेशल एंड इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ब्लॉग आएंगे नहीं, ब्लॉग आएंगे अब तो। अभी आज हुआ है, आज 18 डेट हुई है, 18 मई। हाँ चलो और सही बताती हूँ, आज 18 मई हुई है और कल 20 है, परसों 21, हाँ 22 को मेरे को जाना है अपने पीहर। फाइनली मेरी खुशी देख रहे हो आप पीहर जाने की, ऐसे खुशी भी होती है और एक अजीब सा भी लगता है क्योंकि पैकिंग वैकिंग करना और जाना ये बस की बात नहीं होती है, इतना सामान पैक करना पड़ता है ना, फिर वहाँ से वापस आओ तो यहाँ बिखेरा हो जाता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन जाना तो है ही है। तो अभी 3-4 दिन पड़े हैं लेकिन मेरा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं जब भी यहाँ से वहाँ जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, मेरा रह ही जाता है। जैसे कि मेरी ट्यूब वगैरह होती है, मेरे अंगुलियों पे कभी दाँत हो जाते हैं, कभी खुजली आना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये क्या परमानेंटली नहीं रहती है, ठीक हो जाती है। जैसे मतलब अभी ठीक है तो मैं क्या करूँगी, यहीं छोड़ जाऊँगी, फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे हो जाएगी, तो मेरे को न्यू लेनी पड़ती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा जो भी सामान है ज़रूरी वो मैं इस बार लेके जाऊँ ताकि मुझे वहाँ पे नया नहीं खरीदना पड़े, पैसे वेस्ट नहीं करने पड़े। तो इसीलिए मैं अपना सामान आज से ही पे करना स्टार्ट कर दूँगी। उससे पहले ना मेरी मम्मी की मेरा क्या हुआ था कि मैं पहले यहाँ आई थी ना पीहर से, तो मेरी मम्मी का एक पर्स था जो मैं लेके आ गई, उसमें मम्मी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, एक बैंक डायरी भी थी। तो उसके बाद मैं बहुत बार वहाँ पे चली गई हूँ लेकिन मैं हर बार भूल गई हूँ, मैं लेके नहीं गई। फिर एक बार मम्मी ने मेरे से बैंक डायरी की फोटो मंगवाई कि तू फोटो ही भेज दे, फोटो से काम चला दूँ। तो मैंने उनको बैंक डायरी की फोटो भेजी थी, उसके बाद मेरे को बैंक डायरी मिल ही नहीं रही है। अब मुझे गाँव जाना तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मम्मी का वो सामान लेके जाऊँ यहाँ से, तो अभी मुझे बैंक डायरी ढूंढनी पड़ेगी। और मतलब ढूंढना आना सच में बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही मेरे को बहुत गंदा काम लगता है। कोई चीज़ खो जाती है फिर उसको ढूंढना, मतलब मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने उसको रखा कहाँ है, जबकि मैंने इस रूम की सफाई भी कर ली, मैंने उसको कहीं नहीं देखा, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। तो मैं वो ढूंढती हूँ, पहले मम्मी का सामान रखती हूँ, उसके बाद मैं अपना एक एक जरूरी सामान निकाल के इस बेड पे रखती जाऊँगी और लास्ट वाले दिन बैग में भर लूँगी। तो बस यही ब्लॉग रहने वाला आपके साथ पैकिंग वाला, उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा पीहर जाने वाला, उसके बाद में आपको पीहर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। सो ये सब मैंने निकाल लिया और ये देखो आ गई मेरे औलाद, कुछ करने ही नहीं देती है। तो मम्मी की डायरी मुझे अभी तक नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख दी है। पर अभी एक डायरी मुझे मेरी भी ढूंढनी है, तो अभी तो बाद में ढूंढूंगी, इसको लेके जाती हूँ नीचे। ये देखो दुर्वा सुबह के 6 बजे ही उठ के और यहाँ पे नानी के पास स्पेशली नमनम खाने के लिए आई थी। नमनम मतलब ये अनार को बोलती है, हमारे यहाँ पे लगी ना, तो मम्मी इसको वीडियो कॉल में दिखाते थे, तो जब से आई रात से कर रही है खानी है। तो अभी बस उड़ते ही मम्मी ने इसको तोड़ के दिया है, छिल के दिया है। अभी ये पूरी पकी नहीं है, वाइट कलर भी है। नम नम खा रही है, क्या खा रही है दुर्वा, क्या खा रहे हो आप? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे एंड मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। तो सुबह का मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था कि मैं जो है अपने पीहर आ चुकी, दुर अपने निया ला गई, हम लोग कल नाइट में आए थे। तो वो वाला ब्लॉग आपके साथ नहीं शेयर होगा क्योंकि वो मैंने शूट ही नहीं किया था, हमारा आने का तो फिक्स था लेकिन जब हम लोग आए तो इतना जल्दी में सब कुछ हुआ कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, एक सेकेंड का भी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। पिछले कुछ टाइम से रिकॉर्ड भी नहीं करी तो थोड़ी सी आदत छूट गई है, बट अब मैं गांव आ गई तो आपको डेली ब्लॉग देने की कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको डेली ब्लॉग दूंगी। और अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और बस थोड़ा सा चाय पानी पी के फ्री हुई है और गांव का रूटीन, गांव की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग जरूर देखते रहना। मेरे को दुर्वा की बदमाशी दिखाती हूँ आपको। खाना खा लो पहले, उतार दो इसको। ओले बोले फिर कैसे चला। तो बस यही सब चलता रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ में शेयर करती रहूंगी।
ये दूरवा जा रही है अपनी नानी के साथ मंदिर। सो के उठ गया, अभी तो दोपहर पूरी बाकी है। खुद नहा लिया, खा लिया, सो लिया। ठीक है, मंदिर जा रहे हो आप? ओके, मंदिर जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, मंदिर जा रही हूँ। ओके गाइस, बाय। नींद तक पूरी हुई नहीं, आंखें तो खुल रही है नींद। ठीक है, आप जाके आओ, तब तक मैं नहाती हूँ। सो मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और मैंने अपने कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन लिए। सच में मतलब हम लड़कियाँ ना ऐसी होती है, हमें बस कंफर्टेबल से कपड़े मिल जाए पहनने को, हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। एक तो इनको पहनने गर्मियों में, वो भी मतलब गर्मियों में पहनने को मिल जाए तो फिर चाहिए ही क्या। तो मैं रात को आई थी लेट, तब तो मैंने अपना ही सूट पहन रखा था, लेकिन अभी नहा के मैंने तो अपना टी शर्ट पजामा पहन लिया। दुर्गा और मम्मी अभी मंदिर से आए नहीं है, तो जब मम्मी आएंगी खाना बनाएंगे, उसके बाद में खाना वाना खाएंगे। और मैं तब तक अपना बाल वाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया था कल। ऐसे बोलते हैं कि जब जाते हैं तो करना चाहिए, बट मैंने नहीं किया था, तो आज मैंने कर लिया हेयर वॉश। और एक चीज़ तो पता, मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि मैंने जब पार्लर गई थी ना, तो मैंने अपना हेयर कट करवाया था थोड़ा सा। अभी तो ऐसे ही ठीक नहीं है ना बाल, तो सेट करूंगी कभी अच्छे से तो आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही पिछले कुछ दिनों से। मैंने आपसे कहा था कि जयपुर से हमने क्या क्या शॉपिंग करी, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक मैंने जो सूट पहना था पर्पल कलर में, लेवेंडर कलर में, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। पर्सनली भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो मैंने सोचा था कि उस सूट पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें अच्छे से पूरी डिटेल दूंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट पता, वो भी मैं नहीं कर पाई। और अभी तो मैं पीहर आ गई हूँ, मेरा सूट रह गया है ससुराल में, तो मैं वापस जाऊंगी ना तभी मैं कर पाऊंगी। मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। बट हाँ, अब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने गाँव के। ये दुर्वा आ गई है पूजा करके नानी के साथ। मम्मी बोल रहे कि इसने ही पूजा कर ली सारी, मेरे को कुछ करने ही नहीं दिया, पूरा जल चढ़ा दिया, सारे फूल चढ़ा दिए, धूप चढ़ा दी, तिलक कर दिया, और मेरे लिए शिव जी की तरफ से जो जल होता है वो ला रहे थे पीने के लिए, पूरा अकेली पी गई है बंदरिया। और बंदरिया कहा जा, क्या क्या करके आए मंदिर में? मम्मा की तबीयत ठीक हो गई थी, ऐसे बोली ना? ऐसे बोला, कैसे बोला? क्या बोला बेबी ने? अंका हाय करो सबको, बोलो मैं नानी के आ गया हूँ। नानी के आ गया, बोलो मजे करूंगा। अच्छा लग रहा है मेरे को, बोलो। सो के उठ गया मैं, अब परेशान करूंगा सबको पूरी। अब मेहंदी दिखाओ अपनी। अभी तो गिर जाता नीचे। जमकुड़ी 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 जमकुड़ी। बोलो सो गाइस, बोलो गाइस, खाना खाऊंगी। बोलो खाना खाने का कैसे बोल सकती हूँ ना, बोलो मैं सोऊंगी। आप क्या कर रहे हो, बोलो तो। अब छोटा बेबी सुना दो एक बार सबको, अच्छे से सुनाओ सुनाओ।
सुनाओ बेबी, छोटा भीम सुना दो बेबी, और अब वो सुना दो आपका, सो जा मेरी चंदा, सो जा मेरी इसको देखना है। देखो अभी भी पूरी दो फेट नहीं सोई और अब सो रही है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और रुकी है, कूलर की मोटर का कनेक्शन नहीं किया हुआ तो कूलर बंद है, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है हम लोगों को। शाम को कनेक्शन करवाएंगे तब जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। सो फाइनली वेट करते करते शाम हुई है, थोड़ी बहुत धूप कम हुई है, और दुर्गा पूरी दोपहर में इतना परेशान कर रही थी बाहर चलो बाहर चलो, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी मेरे बाल कैसे रुके। अभी मम्मी ने यहाँ पे पूरा पानी वानी डाल दिया और इसको खानी है नम नम, यानी कि ऐसे अनार तो तोड़ना पड़ेगा एक तो कौन सा तोड़े, देखो कौन सा तोड़े, ये तो पक्का नहीं है कच्चा है। नानी को बोलो नानी तोड़ेंगे। आप खाते तो होने लड्डू पूरा खाना, लेकिन उसको के फिनिश करना, अब जाके थोड़ी बहुत हवा चल रही है ठंडी सी, गेट खुलो पड़े जाता है रात को। ये वो भी हम लोग खाएंगे नम नम, नानी ने तो उनके नाम नाम लगा के ले बीज तो हुए, हम बीज भी हुए अच्छा था। रुक जा की दुआ कीड़ी दौड़ रही है आपके यहाँ पे ऊपर का ना हटा दिया, पर ये ना हाल लाल को नहीं टाइम लाग सी कम अति घनी कटोरी में आप खा लो। थैंक यू, आप खा लो। एक दाना खाया है हाँ। अब सब नहीं कर नहीं तोड़ना बेटी, इसको फिनिश करो पहले, पहले इसको फिनिश करो, एक ही खाया करे, कल तोड़ेंगे और ओके। आज का हो गया, आज दो तोड़ लिए अपन ने, दो तोड़ लिए, ये तो मोटा तोड़ लिए थे वैसे गिर जाएगी गंदा तो सही से हुआ है सावले। चलो पर मेरे हाथों पे खड़े हो जाओ, पकड़ो मम्मा को पकड़ के अच्छे से, वन टू थ्री का पूरा रूटीन जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई नो कुछ ज्यादा खास दिन नहीं रहा है, बट बिहार में एक अजीब सा ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है वाली चीज थी, एंड आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग में आप सबके लिए लेकर आती रहूंगी। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, एंड दुर्गा भी सो गई है और बस मेरा भी अभी सोने का है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।